आज बहुत सारा काम करा हुआ था, कपड़े फोल्डिंग करना था। सारे बेडरूम को ठीक किए हैं एंड सारे कपड़े फोल्ड किए हैं, और भी काम पड़ा हुआ है। आज पूरे रूम का मैं सफाई कर रही थी, और सारे रूम देख सकते हैं किस तरह से हम पूरे इधर से सफाई कर रहे थे। हम हाउस वाइफ की टाइम ही नहीं रहते, बिल्कुल चेहरे पे पसीना देख सकते हैं। और अभी हम थोड़ा सा बाहर मार्केट चले गए थे, कोई काम तो बहुत दिन बाद, तो लॉकडाउन खुला है तो इस वजह से, और बिल्कुल आप कुछ भी पहन भी लो, साड़ी वाड़ी पहन के काम भी नहीं हो पाता। बट घर पे आए तो बिल्कुल सब कुछ बिखरा हुआ था। ये ना पूरे कपड़े सारे जगह फैला देते हैं, तो सारे रूम को समेट कर रहे थे। और उसके बाद पूरा हाउस वाइफ का तो रूटीन आप लोग को सबको पता है, जो है लाइफ कितना बिजी रहता है। सब कुछ सही करना, खाने बनाना है, कपड़े फोल्ड करना है, रूम की सफाई, साथ साथ घर सही लग रहा है कि नहीं, सब कुछ ध्यान देना है। तो आज हम आप लोगों के ब्लॉग्स में यही शेयर करने वाले हैं। फाइनली अब हम साड़ी वगैरह ये इयररिंग्स वगैरह खोल के रख देते हैं, क्योंकि साड़ी चेंज करेंगे, देखते हैं अगर साड़ी में पॉसिबल हो। आप लोग बोलते हैं साड़ी में पॉसिबल होगा तो वीडियो शूट शेयर करेंगे आप लोगों के साथ, क्योंकि ससुराल है तो साड़ी पहनना मस्त है। सो बाल मेरा बिल्कुल बिखरा हुआ लग रहा है। सो अभी हम फिलहाल बाहर से मार्केट से आए थे, एंड आज हम आप लोगों को शेयर करने वाले हैं अपनी छोटी छोटी जो भी घर का मैनेजमेंट करते हैं, कैसे किस तरह से घर के साथ साथ अपने पे ध्यान देना, एंड साथ साथ खाने पे रसोई का भी ध्यान देना, एंड साथ साथ सब लोग का ध्यान देना, उसका आज हम ब्लॉग्स आप लोगों के साथ शेयर करने वाले हैं। कि हर घर की लाइफ कितनी शेड्यूल और कितनी हैक्टिक रहती है, कितनी बिजी रहती है, बहुत सारा काम पड़ा हुआ पेंडिंग। सो अब हम चलते हैं करने। सो मेरे ब्लॉग्स में बने रहिए, क्या क्या कैसे कैसे क्या क्या करते हैं सो आप लोग के आज शेयर करने वाले हैं। तो मेरे ब्लॉग्स में बने रहिए और आगे देखते जाइए क्या क्या होता है। जब भी काम करें ना, एक बात नोटिस करना, जब भी कोई काम करे तो टीवी साउंड म्यूजिक में लगा दें, टीवी चालू कर देंगे, उसके बाद कपड़े फोल्ड करेंगे तो काम में भी मन लगेगा, साथ साथ काम भी म्यूजिक भी सुनते रहेंगे और काम भी होते जाएगा। सुबह जा रहे टीवी ऑन करने, उसके बाद सारे काम करेंगे। फाइनली अब जा रहे हैं कपड़े ये सारे खोल के रख लें, देख रहे हैं साड़ी संभलती नहीं है, बट ससुराल में पहननी रहती है अभी साड़ी। तो अभी हम फिलहाल बाहर गए थे, इस वजह से हमको हैवी साड़ी पहननी पड़ी। साड़ी में पता नहीं है कितना क्रिटिकल क्वेश्चन कंडीशन होता है, सब साड़ी सोचते हैं साड़ी में ही वीडियो शूट करें, वरना देखते हैं कब तक साड़ी पहने रहता है। टेबल हो ना, तो टेबल पे पेपर डाल के और उसको ना अच्छे से कपड़े रखने पर तो 4-5 कमरे में हो जाते हैं। इस पर सब छोटे बच्चे का कपड़ा रख सकते हैं, 1, 2, 3, 4, 5 कमरे में। बिल्कुल मेरा पूरा कपड़ा फैला हुआ था, तो इस रूम को ठीक करके फिर इस रूम में आए हैं। और साड़ी में आज वर्क कर रहे हैं, क्योंकि अभी साड़ी पहने थे तो सोचे कि पूरा रूम हम ठीक करने पूछा हुआ था। ये सिल्क की साड़ी है, बिल्कुल फैल रही है, इसको कर लेंगे अच्छे से।
फेस्टिवल इंडिया नदी का है स्कर्ट उनका कपड़ा इस तरह टेबल पे सजा कर रखते हैं, तो अब वो घर पे है नहीं तो उनका कपड़ा भी रखना है और रख रहे हैं। और इस तरह से टेबल पर पेपर डाल के साइड में कोने में रख लेंगे तो कहीं भी आप मतलब पूरे कपड़े अच्छे से आ जाते हैं। देखिए मेरा किस तरह से हम पूरे कपड़े को फोल्ड कर दिए एक एक करके। आज साड़ी मैं पूरे टाइम आज साड़ी पहन के अपना ब्लॉगिंग कर रहा हूँ, सब ख्याल में है फिलहाल। और इस तरह से सारे कपड़े को फोल्ड करके रख लिए और अब आराम से कपड़े को भी पहनना जिसको पहनना अपना आगे यहाँ से पहनते रहते हैं। और इस तरह से सारे टेबल को सभी को लगा दिए और ये मेरा साड़ी रख हुआ था तो इसको अलग रख दिए क्योंकि साड़ी ड्रेसिंग टेबल में रखते हैं अलमीरा में, तो ये हम साड़ी को भी रखेंगे। अनबेड भी मैं क्योंकि अलमारी ठीक रूम ठीक करती है, अनबेड अच्छे से झाड़ देते हैं, मुमकिन रहता है तो काम अच्छा लगता है। तो हम कर लेंगे बेड को ठीक। और ये बेड सीट मेरा फाइनल हो गया। अब हम साड़ी फाड़ी साड़ी इयरिंग्स वगैरह खोल के उसके बाद जाएंगे किचन में, क्योंकि काम नहीं होता तो थक गए हैं। कपड़े फोल्ड करते करते हम बाहर जाए फिर कपड़े फोल्ड करने लगे, धूप में बारिश हो रहा था तो हम लेकर आ गए थे खोलने के आने वाला। और आराम से अब काम करेंगे, थोड़ा सा मम्मी बोल रही थी स्नैक्स बनाने के लिए तो चलते हैं किचन को, भूख भी लग गया है। तो सारे इयर रिंग्स वगैरह खोल देंगे चौकर तब काम अच्छे से होता है। अब जा रहे हैं किचन में, तो मेरे ब्लॉग्स में बने रहिए। एंड आज अब पहने थे साड़ी तो मैं सोची आज साड़ी में आप लोगों को वीडियो शूट करूँ, तो सवाल का वीडियो था साड़ी है तो मम्मी बोलती है कि साड़ी पहना करो कम से कम दिन भर पहना करो, शाम को खोल के आप कुछ भी कर सकते हैं, शाम में आप नाइट ड्रेस डाल लेना। बट अभी कोई आने वाले थे इसलिए हम साड़ी पहने रह गए, तो आज साड़ी में ही सारा रूम ठीक करना पड़ा है एंड सब किचन की हो जाएंगे। सो मेरे ब्लॉग में बने रहिए। एंड अब एक बात और नोटिस करिएगा, जब भी आप कपड़े फोल्ड करिए तो आप लाउड मतलब हल्के में म्यूजिक टीवी ऑन कर दिए थे हम, तो टीवी चलते रहता है ना तो पता नहीं चलता है, आप काम कितना भी कर लो गाने पे ध्यान लगा रहेगा। तो आप लोग ये चीज़ जरूर करिएगा, जब भी काम करना हो घर का तो आप टीवी चालू कर दीजिए एंड आप साथ साथ काम करिए। तो देख सकते हैं मेरा कपड़ा भी फोल्ड हो गया, ड्रेसिंग टेबल भी ठीक हो गया एंड हम अपना कान वाना सबको खोल के और अब जा रहे हैं हम। चूड़ी इसको अच्छे से सजा कर रख दिए हैं और ये देखिए प्यारा प्यारा सा चूड़ी है मेरा, चूड़ी मजा लगेगी। तो यहाँ पे आने के बाद ना भर भर के चूड़ी पहनने में मजा आता है, सो हम पहनेंगे चूड़ियाँ निकाल निकाल के जो पहनना होगा तो सबको अच्छे से सेट कर लेंगे। उसके बाद देख सकते हैं मेरा चूड़ी कैसे शादी टाइम का, तो इसको हम सेट कर लिए हैं। एंड अब हम जो जितने भी पुराने चूड़ी हैं ना जो यूज़ कर लिए जिसका कलर ख़राब हो गया, देख सकते हैं इतना सारा है, उसको हम अलग करेंगे डब्बे में और रखेंगे। और पूछते हैं आप लोग से मम्मी से कि क्या करना है इस चूड़ी का, क्योंकि बिल्कुल ना ये वाली मेरी शादी की चूड़ी थी और इतना शकंगन था, 1000 का था ये देख सकते हैं, और ये रखे रखे ना बिल्कुल काला हो गया बहुत दिन के बाद है, तो ये क्या कर सकते हैं बताइए। इतना महंगा चूड़ी था ना और बिल्कुल काला पड़ गया है, अब इसका ना यूज़ है और ना फेंकने में भी अच्छा नहीं लगता, श्रृंगार का चीज सुहाग का चीज बिगड़ नहीं जाता, बट क्या कर सकते हैं। फाइनली मेरा हो गया है सारा चूड़ी की सारा सेट कर लिए एंड इस तरह से आप चूड़ी आप श्रृंगार बॉक्स में सारे चूड़ी आ जाते हैं। तो आप लोग को जब भी चूड़ी का लगे कि मतलब ख़राब हो रहा है तो उसको आप साइड करके अच्छी वाली चूड़ी एक साथ कर लोगे ना तो देखने में भी अच्छा लगता है एंड साथ साथ आप ड्रेसिंग टेबल भी अच्छा लगता है। तो सारे चूड़ी के स्टोन सजा लिए एंड अब हम चलते हैं किचन की ओर। फाइनली फिलहाल हम आ गए किचन में एंड किचन का डोर खोल देंगे, लाइट आएगा और हवा भी आएगा। और हम साड़ी का भी खोल दिए, प्लाजो और कुर्ती पहन ली क्योंकि गर्मी बहुत था, हम सोचे थे कि साड़ी में ब्लॉगिंग करेंगे
बट पॉसिबल नहीं हो पाया क्योंकि गर्मी बहुत लग रहा था। एंड हम सूट कपड़ा चेंज करके फाइनली बैठ गए। एंड ये चूड़ी मेरा आवाज़ कर रहा था बात करते वक्त, तो मेरे को ये पतली वाली चूड़ी आज पहनने का मन किया है, सो मैं आज से डाल लिए हैं आज अपने श्रृंगार वाले बॉक्स में। एंड आप जा रहे हैं जरूरी की सॉर्ट करने के लिए, ब्राउनिंग कर रही है, बर्तन धो रही है, बर्तन धो के रख रही है। सो हम शॉप करते नहीं हैं, यहाँ पे मेड नहीं आती है, सो खुद से ही सारे चीज़ करना रहता है। सो मेरा बर्तन हो गया दुल्हिया और सारे बर्तन को हम सेट कर दिए, सब कोई चाय नाश्ता कर लिया और सिट। एंड कोई मेरा शो अप करने के लिए ये वीडियो नहीं है, ब्लॉगिंग नहीं है, क्योंकि रोज़ का काम है मेरा। तो मेरा सुबह का कटा हुआ टमाटर प्याज रखा हुआ था, एक्स्ट्रा काट के पहले ही रख लिए थे ये सामने, और मैंगो देख के खाने का मन कर जाता है, तो अभी घर का मैंगो है। सो हम अभी स्वीट्स भी खाएंगे, और घर की मैंगो बहुत टेस्टी होती है, मीठा मीठा स्वीट सा। सो हम लोग अभी इसलिए रुके हुए हैं यहाँ पे क्योंकि मैंगो खा सके, और घर का मेरा खुद का पेड़ में होता है। सो अभी फ़िलहाल हम लोग मैंगो भी खाएंगे साथ साथ। सो इस तरह से बिल्कुल पेड़ में से पका हुआ टेस्टी लगता है। सो अभी ब्लॉग्स में आप लोगों को मैंगो देखने के लिए मिलेगा एंड खाने के लिए भी मिलेगा, देख के खा सकते हैं। दो प्याज काट लिए हैं और एक टमाटर, क्योंकि प्याज जितना भी वेजिटेबल वगैरह रहता है ना, पोहा तो मटर के साथ अच्छा होता है। हरी वाली मिर्च और गरम मसाला, मैगी मसाला, सारा कुछ देंगे। मैगी मसाला पोहा में देने पर टेस्टी होता है, और ये मैगी मसाला और गरम मसाला मिर्च को बोल देता है। टेबल कट कर लिए हैं, आलू थोड़ा सा, मिर्च और कड़ी पत्ता फाइनली मेरे को मिल गया है, प्याज टमाटर और मिक्सचर किसको किसको देख के पानी आ रहा है मुँह में। सो ये है पटना नमकीन, प्रमोद पटना नमकीन, सो ये वाली मिला देंगे पोहा में, और बादाम हम अलग से नहीं भूंज रहे इसमें फ्राई किया हुआ है, सो वही रख लेंगे, चूड़ा धो के रख लिए। एंड गर्म मसाला एंड मैगी मसाला। सो फिलहाल अब हम जा रहे, कढ़ाई ऑन है मेरा, इधर चाय चढ़ गया है, सो नाश्ता रेडी होने वाला है। पाइप से काम करनी है अभी ऐसे भी। सो हम डाल दें इसमें तेल गरम करने के लिए, और थोड़ा सा सरसों डाल देंगे, ये पीला वाला सरसों रहता है ना, तो ये सरसों और कड़ी पत्ता डालेंगे। तो हम इसमें डाल दिए सरसों, कढ़ी पत्ता, अब डाल देंगे हरी मिर्च, प्याज कटा हुआ, आलू, सबको फ्राई कर देंगे। डाल दिए गरम मसाला, मैगी मसाला, थोड़ा फुला हुआ है प्याज फ्राई हो गया, डालेंगे टमाटर, मिक्सर निकाल के रख लिया, मैगी है पूरा फ्राई, हम पूरा डाल के डालते हैं। सो फाइनली मेरा हो गया है पोहा फ्राई, सारे वेजिटेबल डाल दिए लास्ट में टमाटर, एंड अब मिक्सचर डाल के मिला देंगे। चाय भी रेडी है साथ साथ, सो चाय में चीनी डालना बस। मेरी नाश्ता हो गई रेडी, गैस को कर देंगे बंद। सोनू जी का पोहा वेट कर रहा है, बनारस घूम रहे हैं, मिस क्यों पोहा जी बोले। सो पोहा दे दिए हम पापा को खाने के लिए, पोहा सबका रखा हुआ है, सबको दे देंगे। उसके बाद अभी चाय तब तक हो गया था, तो चाय को हम छानने लगे थे, मम्मी बिना चीनी का चाय पीते हैं, चीनी के लिए निकाल दिए थे। और भी कोई दूर पर वेट कर रहा है, पोहा चाय वेट कर रही है, हम जा रहे खाने। तो अब हम अभी खाएंगे चाय, पोहा खा रहे हैं, उसके बाद मिलते हैं आप लोग। हम आ गए अपने रूम पे और टीवी चल रही है, अब हम लाउड म्यूजिक पे अब गाना सुनेंगे। खाना हो गया, खाना पीना नाश्ता सब कुछ बन गया, और फिलहाल अपने रूम में आ गए हैं, रेस्ट कर रहे हैं एंड मैंगो खा रहे हैं। सो पसीना चल रही है मेरी, तो इस वीडियो को करते हैं वाइंड अप, क्योंकि अब हम जा रहे हैं रेस्ट करने,
और फिलहाल इस तरह से मेरा पूरे टाइम रहता है। सो अगर आप लोगों को वीडियो पसंद आएगा तो प्लीज़ मेरे चैनल को करिएगा लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब। बाय बाय।